तो देखते आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज की क्लास के अंदर हम बताने जा रहे हैं आपको न्यू ईयर का एक डिजाइन क्योंकि आ, काफी टाइम हो गया था और मैं अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए अब एक न्यू ईयर आ रहा है तो एक पोस्ट बनाई जाए ठीक है तो पोस्ट बनाने से पहले सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली बात आपने घबराना नहीं है और फिर स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला फाइल पाएंगे न्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे 1000 थाउजेंड विथ वन थाउजेंड हाइट और रेजोल्यूशन सेवेंटी टू आर जी बी कलर और यहाँ से वाइट बैकग्राउंड होगा और करेंगे आप क्रिएट ठीक है जी मैं पहले सी करिएट क्रिएट कर चुका था तो चलो दोबारा कर लिया अच्छा आ, जो मेरी क्लासेस चल रही थी वो क्लासेस बिल्कुल चलेंगी बट क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है तो मैंने बोला पहले मैं न्यू ईयर का बता दूँ तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है मैंने आपको पहले कह के घबराना नहीं है जो मैं कर रहा हूँ जस्ट फॉलो माई स्टेप्स ओके बाकी जो चल रहा है हमारी बेसिक टू एडवांस क्लास फोटोशॉप की वो चलती रहेगी तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ से लेना है ग्रे कलर ठीक है अला कलर ले लिया नीचे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इसका कलर ओके करा और यहाँ से ले लिया व्हाइट यहाँ से लेंगे आप ग्रेडियंट और ग्रेडियंट से लेंगे आप रेडियल एक लेयर खोल लीजिए और इसको यहाँ पे रखते हुए लेफ़्ट क्लिक दबा के रखिएगा और यहाँ से लाके के यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा ये इस तरीके से आएगा पर मुझे इस तरह नहीं चाहिए तो मैं इसको रिवर्स करता हूँ और दोबारा मैं इसको वाइट कलर अंदर रखूँगा तो ये वाइट कलर अंदर आएगा और आप देख सकते हैं कि जो ग्रेश कलर है वो बाहर के साइड पर है ठीक है अब मैं क्या करूँगा फिल्टर पाऊँगा नॉइस एट नॉइस हल्की सी नॉइस दूंगा इस पर ये बारह है मैं इसको कर देता हूँ पाँच काफ़ी है ठीक है और उसको कर दिया यूनिफॉर्म आज कर दिया मैंने उसको तीन कर दे दें तीन कर दिया ओके तीन बेस्ट और उसको कर दिया आपने ओके अब मैं आऊँगा फाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा ओपन और ओपन से आने के बाद ये नंबर वन उठा लीजिएगा आप और इसको उठा के सिंपल आपने इधर ड्रैग करना है ठीक है कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म ठीक है और उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इसको सेंटर में रखिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे आके आपने लेना है स्क्रीन और ये आ गया आपका डिज़ाइन का हल्का सा पैटर्न अब आप आते हैं दोबारा इसको पहले यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए जनाब फाइल पर आप आएंगे ओपन और यहाँ से ही ले लीजिए नंबर टू और इसका लॉक खोल खोलना सबसे पहले आप आएंगे सेलेक्ट सॉरी लेयर न्यू और लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप ओके कीजिएगा तो ओ लेर न्यू और आपने करा लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड आपने करा ओके यहाँ से इसका लॉक ऐब हो गया यहां से आप लेंगे मैजिक इरेजर e टूल जैसे आप क्लिक करेंगे पूरा व्हाइट कलर उड़ जाएगा ठीक है जी यहां से आपने एरो लिया इसको उठाया और यहाँ लाके इसको आपने ऐसे फेंक दिया कंट्रोल टी इसको छोटा कीजिएगा इसको यहाँ रखा थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहां से मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ब्लैक कलर ले लूंगा ओके okay करा और क्लिक करा यहाँ पे लिखा मैंने टू ज़ीरो इंटर टू वन और इसका साइज बड़ा कर लिया यहाँ मैंने ओके okay, सिलेक्शन तो हटा दूँ भाई ओके टू ज़ीरो टू वन इंटर मार्केस को नीचे करा सेलेक्ट ऑल अगर इस तरह आ रहा हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये देख लीजिएगा ये ऑटो हो और ये भी ऑटो हो ये ज़ीरो ठीक है अच्छा थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे इसके ज़रिए सॉरी 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 इसका हम ऊपर करेंगे इस पर डबल क्लिक करें यहाँ से इसको लेफ्ट साइड पर करें ताकि ऊपर हो थोड़ा सा और थोड़ा सा और और यहाँ से फॉन्ट लेंगे हम वी ओ यू वी ओ जी यू यू वॉक रेगुलर ठीक है अब आप इसको बड़ा कर लें कंट्रोल टी के साथ यहाँ तक शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसको फैलाएंगे। ऐसे थोड़ा और बड़ा कर लें थोड़ा सा उसको यूँ कर लें और थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड पे करेंगे ताकि थोड़ा सा और ऊपर आ जाए ठीक है सेलेक्ट करें पहले इसको थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे ठीक है ये हो गया अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक तो ओपेसिटी बढ़ा लें यहाँ से कम हो गई थी यहाँ रखें इस पर डबल राइट क्लिक करें ब्लाइंडिंग ऑप्शन और यहाँ से लेंगे हम ग्रेडियंट ओवरली अच्छा ग्रेडियंट ओवरली क्या है ये सब मैं आपको आगे जाके बिल्कुल बताऊंगा तो पहली बात बिल्कुल नहीं घबरा रहा इस पर क्लिक करा यहाँ से आपने कलर लेना है डार्क ग्रेइ कलर ले लेते हैं हम ठीक है और यहाँ पे लाइट ग्रेइ ले ले लेते हैं और बीच में हम वाइट ले, 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 तो ले लेते हैं ठीक है तो इसको थोड़ा सा ग्रेस कलर लेते हैं डार्क ठीक है और इसको भी थोड़ा सा मैं काम करते हैं ग्रेश कलर लेते ले हैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ठीक है ठीक है ओके करा ओके करा ओके करा यहाँ तक तो बात साफ ठीक है अब आप दोबारा टैक्स पे क्लिक करें यहाँ क्लिक करें और यहाँ लिख दें आप हैप्पी एंटर न्यू ईयर इसको सेलेक्ट करें फॉन्ट में लूँगा यहाँ पे हीटर के नाम से एक फॉन्ट है आ, 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 हीटर हीटर रेगुलर ये आपने ले लिया ठीक है जी इसको रखा यहाँ पे इसका हैप्पी का पी है। सेलेक्ट करा अब इसको मैं कंट्रोल टी से बड़ा करूँगा और इसको यहाँ फैलाऊँगा ऐसे और थोड़ा सा और और हैप्पी का हैप्पी बड़ा करूँगा ठीक है जी गया ऐसे 2021 को थोड़ा सा ऊपर करा हैप्पी न्यू ईयर को यहाँ रखा तो यहाँ पे और अब जो बेस्ट पार्ट आने वाला है इसको तो बंद कर दें हम यहाँ से ठीक है फाइल ओपन और यहाँ से ले लिया अपना नंबर थ्री ओपन करा इसको और फिर वही लेयर न्यू यहाँ से लिया फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसका लॉक खोलेंगे मैजिक ई रेजर लेके यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इसको उठा के यहाँ पे फेंकेंगे आप ऐसे और सिंपल ऑल्टर दबा के इसके बीच में आना हैप्पी न्यू ईयर और इस लेयर के जो बीच का जो लाइन आ रही है जब आप यहाँ पे ऑल्टर दबाएंगे तो ये इस तरह कह रहा होगा और आप ऑल्टर दबा के क्लिक करेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर इसके अंदर चला जाएगा देख सकते हैं आप अपनी कुआरी आंखों से ओके कुछ चीज़ें आपने और करनी है सबसे पहले आपने लेना है यहाँ से ब्रुश टूल ब्रुश टूल यहाँ से आपने इसका साइज़ यहाँ से बड़ा करेंगे आप हार्डनेस के बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे साइज़ बड़ा करें एक लेयर सबसे टॉप पर खोल लें थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर लेते हैं हम करली ब्रैकेट से साइज बड़ा होगा ठीक है यहाँ से लेंगे हम ऑरेंज कलर ओके और ऑरेंज थोड़ा डार्क ले लेंगे ठीक है थोड़ा सा आला शेड ओके करा अब आपने करा थोड़ा सा बड़ा करें एक क्लिक ठीक है दो क्लिक उसके बाद हम दबाएंगे एक्स तो कलर अप एंड डाउन हो जाएगा व्हाइट ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा अब लेफ्ट लिप ब्रैकेट से साइज छोटा करेंगे और एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये शेड आएगा ठीक है जी ये शेड आ गया आपका आपने करना है क्या है कि इसकी डुप्लीकेट कर लें कंट्रोल जे से और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें अब आप क्या करेंगे कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और शिफ्ट थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे ठीक है यहाँ रखें यहाँ और इसको उठा के रखेंगे आप दो हज़ार इक्कीस के ऊपर और इसको कर देंगे आप जो मुझे अच्छा लग रहा है स्क्रीन अच्छा लग रहा है तो मैं इसको स्क्रीन कर दूंगा यहाँ पे ठीक है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ठीक है फिर इसकी डुप्लिकेट करूँगा कंट्रोल से इसको उठा के मैं यहाँ रखूँगा फिर कंट्रोल जे करूँगा इसको उठा के मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको ऐसे कर देंगे थोड़ा सा ठीक है जी ये आ गया यहाँ पे उसके बाद जो ये लेयर थी इस पर हम क्या करेंगे इसको उठा के रखेंगे ऐसे और इसको करेंगे हम स्क्रीन अगेन कलर डॉज और दिख के देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है वैसे मुझे हु, 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 हु. स्क्रीन या कलर डॉज कलर डॉज नहीं स्क्रीन ही सही लग रहा है स्क्रीन करने के बाद कंट्रोल एल कीजिएगा और लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा आगे करें इसको तो इसको इसको थोड़ा सा आगे करें उसके डुप्लीकेट करें कंट्रोल जे तो थोड़ा डार्क शेड और देगा ठीक है ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंट्रोल क्लिक से दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई -E से मर्ज कर देंगे और उसको दोबारा कर देंगे स्क्रीन अच्छा हो जाएगा ओके और अगर हम इसके एक और डुप्लीकेट करें देखें क्या होता है सबसे पहली बार इसको डुप्लीकेट करें वहाँ से नहीं मज़ा नहीं आ रहा तो उसको ऐसे ही रखते हैं ठीक है और इसकी कॉपी बना लेते हैं इसको उठा के टी से इसको यहाँ रखते हैं ठीक है फिर इसकी डुप्लीकेट करते हैं और उसको मूव कराते हुए हम ले आते हैं इस साइड पे ऐसे ठीक है जी एक छोटा सा पार्ट और हम हम जो देंगे इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको बंद करेंगे हम फाइल इंपोर्ट और यहाँ से एक इमेज उठाएंगे फोर और सिंपल इसको करते हुए यहाँ रख देंगे ऊपर ख़ूबसूरती के साथ ठीक है जी इसको उठाया आपने यहाँ रख दिया और इसको कंट्रोल टी से थोड़ा थोड़ सा, थोड़ सा छोटा कर लीजिएगा थोड़ा सा छोटा ठीक है यहाँ रखा और उसके बाद हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ा करें। थोड़ सा इसको पीछे करें थोड़ा सा इसको पीछे करें थोड़ा सा इसको पीछे करें और जो ये थे हमारे ऑप्शन इसको उठा के हम इधर रखेंगे मतलब इसको उठा के इधर और देखते हैं उसका कलर उससे क्या आता है कलर डॉज नहीं स्क्रीन नहीं रखते बट उसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ठीक है मैं ज़्यादा शाइनिंग नहीं चाहिए ठीक है इसके बाद स्पाई कंट्रोल टी करा इसको उठा के यहाँ रखा थोड़ा सा इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया ओके जी हो गया अब हम एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज लिख देते हैं तो जनाब हमने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करा सबसे ऊपर आए यहाँ क्लिक करा और एक मैसेज लिख देते हैं फ़ॉन्ट ले लेते हैं हम, हम, हम कावियर रोबोटो ले लेते हैं ठीक है या फिर लाटो लाटो विल बी फाइन लाटो लिया हमने लाटो लाइट ठीक है इस फोन साइज का छोटा कर दिया हमने और छोटा करते हैं बहुत बड़ा है। तो हमने इसको ट्वेंटी फोर करके देखा और यहाँ से बोल्ड करते हैं ठीक है उसको उठा के यहाँ रखें ऐसे और इसका कलर जाहिर सी बात ही तो होगा नहीं तो कौन सा होगा डार्क ग्रेस ठीक है थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा ओके ये सही है ठीक है और तो थर्टी कर लेते हैं नहीं थर्टी सही नहीं लग रहा तो ट्वेंटी फोर ही रखते हैं और फोन और देखते हैं कभी मुझे अच्छा लगे तो ओपन सेंस देखते हैं हम ओके ओपन सेंस फिर भी सही लग रहा है ठीक है ओपन सेंस रख लेते हैं और इसको साइज कर देते हैं ट्वेंटी टू और ओके okay कर देते हैं जनाब तो ये आपका हैप्पी न्यू ईयर का पोस्ट तैयार है ठीक है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें हम्म हम्म थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे आता नहीं थोड़ा सा ठीक है जनाब ठीक है जी तो के हैप्पी न्यू ईयर की पोस्ट तैयार है अपने दोस्तों का विश कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा हो थैंक यू सो मच और बहुत जल्द मेरी वीडियोज आने वाली है ट्रेनिंग की जो बाकी रह गई थी तो जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय